Hello friends, welcome to Maitreya Mantras. My name is Ankur Kumar Sharma and this is my 40th video for network theory. So friends, अभी तक जितने भी chapters आपको मैंने clear कराए हैं वो आपको clear हो जाने चाहिए, ठीक है। clear का मतलब ये मत समझ लेना कि कुछ भी समझ में ना आए, क्लियर का मतलब है आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैंने देखो पूरी मेहनत से वीडियो बनाई है, आपको हर पॉइंट समझाने की कोशिश की है, तो इसीलिए आपको भी उस चीज़ को उसी लेवल तक समझना है जिस लेवल तक मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। देखो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब जो भी मैं लेक्चर्स आपको अपलोड कर रहा हूँ ना गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए है। हाँ, ऐसा नहीं है कि SSC JEE के लिए नहीं है। SSC JEE में तो जस्ट आप ऐसे ही रीडिंग करके चले जाओ तो 100% क्वेश्चन करके आ जाओगे, आप एक भी नहीं छूटेगा। लेकिन हाँ, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए अगर आप क्वेश्चन करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको जितना लेवल तक मैंने पढ़ाया उतने लेवल तक करने की ज़रूरत है, प्लस आपको कुछ अदर क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। उसके लिए क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चंस आपको इसलिए करने की ज़रूरत है कि आपको अंडरस्टैंडिंग को डीप बनाना है। अभी मैंने जो समझाया उसको अप्लाई भी तो करोगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि मुझे कितना चीज़ें आने लगी हैं। तो आपको यही चीज़ें करना होगा कि आपको ध्यान से समझना है जो मैं बता रहा हूँ उसको, और फिर उसके बाद अप्लाई करना है क्वेश्चंस पे, ठीक है। आपके उसके लिए कनोडिया की बुक ले सकते हो, मेडीजी की बुक ले सकते हो, कोई भी अदर बुक ले सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मतलब बेसिकली आपको बनाने हैं अगर आप गेट के लिए कर रहे हो प्रिपरेशन और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए कर रहे हो तो। प्रीलिम्स के लिए तो आपको ऑब्जेक्टिव्स ही करना होता है और मेंस के लिए आपको सब्जेक्टिव ही करना है, तो उसके लिए आपको अभी तो ऑब्जेक्टिव ही करना है गेट और ES दोनों के लिए ही। तो आप अभी से करना शुरू कर दो और अभी बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। आप ATM थोड़ा सा बोलते हैं सब लोग कि ATM एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए, ये थोड़ा ज़रूरी होता है बेसिकली। एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं करोगे तुम पेपर के अंदर तो परफॉर्मेंस थोड़ी बिगड़ जाती है, ठीक है। सो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ रेजोनेंस सर्किट्स। तो रेजोनेंस देखो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए यार, बेसिकली आप लोग वीडियो देखो और वीडियो के बाद सीधा न्यूमेरिकल पे लग जाया करो, ठीक है। जो भी मैंने अभी इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं उन न्यूमेरिकल्स को पहले अपने आप से सॉल्व करके देखा करो, उसके बाद फिर नए न्यूमेरिकल्स पे जाया करो, यही प्रोसीजर होता है। अगर ऐसे नहीं करोगे तो वीडियो देखने का भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप ऐसे ही कर रहे हो कि जस्ट वीडियो देख रहे हो और उसके बाद सो जा रहे हो तो ये कोई बेनिफिट नहीं है, उससे जस्ट आपको छोटे एग्ज़ाम्स में ही बेनिफिट मिलेगा। गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए आपको अदर मतलब जैसे अभी प्रीवियस ईयर के पेपर ले लो या तो उनको सॉल्व करो, या फिर आप कोई भी नए बुक के क्वेश्चन उठा के कर सकते हो। तो रेजोनेंस सर्किट में रेजोनेंस की पहले डेफिनेशन देखेंगे हम, क्या होता है रेजोनेंस, कब अकर करता है सर्किट के अंदर, किन किन कंडीशंस में अकर करता है, और हम किसी सर्किट को कब बोलते हैं कि ये सर्किट रेजोनेंस में है, ये सब पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो अभी देखो, फॉर दी अकरेंस ऑफ रेजोनेंस इन एनी सिस्टम टू एनर्जीज आर रिक्वायर्ड, मतलब किसी भी सिस्टम के अंदर अगर हमें रेजोनेंस क्रिएट करना है, रेजोनेंस को अकर करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास दो एनर्जी होनी चाहिए, और एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो है ना हमारे जो दोनों एनर्जी हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं इंडक्टर और कैपेसिटर के द्वारा इन दी फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पेक्टिवली। तो फ्रेंड्स देखो क्या है इसमें, ये बताना चाह रहा है कि रेजोनेंस सर्किट के अंदर रेजोनेंस को किसी भी सर्किट के अंदर ले सकते हैं हम, किसी भी सर्किट के अंदर या किसी भी सिस्टम के अंदर रेजोनेंस अकर तभी करेगा जब उसके अंदर दो एनर्जी होंगी, और वो दोनों एनर्जी एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि इंडक्टर जो है वो हमारा एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो हमारा कैपेसिटर होता है वो हमारा एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अभी इतना समझ में आना चाहिए आपको कि रेजोनेंस कब अकर करता है, रीजन आपको क्लियर हो गया होगा, जब हमारे पास दो एनर्जी होती हैं, दोनों एनर्जी हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर सर्किट के अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं है तो आप भूल जाना कि उसमें रेजोनेंस भी आ सकता है, रेजोनेंस कभी नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट क्या है, दी सर्किट इज सेट टू बी इन रेजोनेंस व्हेन दी सोर्स वोल्टेज एंड सोर्स करंट आर इन फेज। ये कह रहे हैं कि सर्किट हमारा रेजोनेंस में कब बोलते हैं हम कि हमारा सर्किट रेजोनेंस में है, जब हमारा वोल्टेज जो है ना सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट जो है वो अगर फेज में हो, फेज का मतलब है कि दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्री होना चाहिए, तो सेम फेज में आ जाएंगे। तो अगर दोनों सेम फेज में हो, सेम दोनों कौन, सोर्स वोल्टेज एंड सोर्स करंट, याद रखना लोड करंट भी होता है लोड वोल्टेज भी होता है, लेकिन हमें किसकी बात करनी है, सोर्स वोल्टेज की जो हमने अप्लाई किया है एंड सोर्स करंट की, जब सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट हमारे सेम फेज में होंगे तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि जो सर्किट है वो रेजोनेंस में है। द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंडिकेट्स द रेट एट विच एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर।
कह रहा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। रेजोनेंस तो समझ में आ गया आपको, कब बोलेंगे हम सर्किट को रेजोनेंस में, जब हमारा फेज वो जब हमारा सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट हमारे फेज में है। दूसरा क्या है, देखो अभी स्टार्टिंग में मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो बहुत ही डीप बता के चलता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें बेसिक्स है। अगर आपको सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका बेसिक्स नहीं पता है तो आप आगे प्रॉब्लम में आ जाओगे फिर, ठीक है। तो अभी इसीलिए मैं ज़्यादा बार बताता हूँ इस चीज़ को, थोड़ा सा समझ लिया करो, बोर हो जाओ तो भाई थोड़ा सा कंसंट्रेट करके किया करो इसको। द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है ना वो क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारा एक रेट को डिफाइन करता है। रेट कौन सा, एक देखो इंडक्टर जो कैपेसिटर है ना, जब हमारा इंडक्टर चार्ज हो रहा होता है तो वो एनर्जी को स्टोर कर रहा है, तो कैपेसिटर के अंदर से डिस्चार्जिंग हो रही होगी, और जब हमारा कैपेसिटर चार्ज होता है तो इंडक्टर के अंदर से डिस्चार्जिंग हो रही होगी। मतलब जो इंडक्टर है वो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर, और जो कैपेसिटर उसके अंदर एनर्जी होती है हमारी हाफ सी वी स्क्वायर। तो एक बार हाफ एल आई स्क्वायर जब वो हाफ सी वी स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही होगी जब हमारा इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है और कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, और दूसरे केस में हमारा हाफ सी वी स्क्वायर जो कैपेसिटर की एनर्जी है वो हमारी चेंज हो रही होगी इन द फॉर्म ऑफ हाफ एल आई स्क्वायर। मतलब जो कैपेसिटर की एनर्जी है वो इंडक्टर की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही होगी। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एनर्जी का इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में, ये इसका जो रेट होता है कि किस रेट पे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में, उसको डिफाइन करते हैं हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से। तो यही लिखा हुआ है, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंडिकेट्स द रेट एट विच एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो। जब तक आपको क्लियर ना हो जाए तब तक बार बार लिखा करो, मैं बार बार बताने के लिए तैयार हूँ। आप जस्ट पूछो, कोई भी क्वेश्चन पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो अभी देखो, हमने ये सीरीज आरएलसी सर्किट दिख रहा है आपको, सीरीज रेजोनेंस पढ़ने जा रहे हैं हम। सीरीज रेजोनेंस के लिए हमने एक सीरीज आरएलसी सर्किट लिया है जो कि एनर्जाइज किया गया है वोल्टेज सोर्स वी से, इंडिपेंडेंट सोर्स है, एसी सोर्स है, और इसके द्वारा जो करंट फ्लो कर रही है सर्किट के अंदर वो करंट आई फ्लो कर रही है। ये आई करंट जो होगा ये हमारा थ्रू आउट सेम होगा, क्योंकि जो सर्किट है वो हमारा सीरीज नेटवर्क है, तो सीरीज में करंट हमेशा सेम होता है। अब देखो, सीरीज में अगर करंट सेम है तो सीरीज वाली करंट को जो हमारी आई करंट है उसको मान लिया हमने रेफरेंस। अगर हम आई को रेफरेंस मान रहे हैं तो इसके बेसिस पे हम वोल्टेज को भी डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली हम बनाना चाह रहे हैं फेजर डायग्राम, क्योंकि फेजर डायग्राम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम बोलेंगे कि सर्किट अभी रेजोनेंस में अगर कर रहा है, मतलब रेजोनेंस कंडीशन में है। तो अभी देखो, हमने आई को मान लिया है यहाँ पे रेफरेंस, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ ये बात, रेजिस्टिव सर्किट जब मैंने पढ़ाया था कि रेजिस्टर के केस में वोल्टेज एंड करंट जो है वो सेम फेज में अकर करते हैं, मतलब सेम फेज में होते हैं। तो जो करंट आई है और जो वोल्टेज वी आर है वो सेम फेज में होना चाहिए कि नहीं, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट के अंदर जो है इंडक्टर और कैपेसिटर सेम फेज में होते हैं। इंडक्टिव सर्किट के अंदर वोल्टेज लीड करता है प्योरली, इंडक्टर के अंदर 90 डिग्री लीड करता है करंट से, और आरएल सर्किट के अंदर होगा तो वो थीटा 0 से 90 के बीच में किसी भी एंगल से लीड कर सकता है। वोल्टेज लीड करता है इंडक्टिव सर्किट में और करंट लीड करता है कैपेसिटिव सर्किट में, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज लैग करता है करंट से बाय 90 डिग्री फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट एंड बाय 0 से 90 डिग्री फॉर आरसी सर्किट, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी देखो, ये जो सर्किट बनाया ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, बट फिर भी बताने जा रहा हूँ मैं दोबारा से। इसमें आई को माना था हमने रेफरेंस, आई के साथ वी आर सेम फेज में आ जाएगा क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो होगा वो करंट से लीड करेगा बाई 90 डिग्री, और जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होगा वो हमारा करंट से लैग करेगा बाई 90 डिग्री। इतना क्लियर हुआ। अभी क्या है, देखो अभी कंडीशन हमें लेनी है रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस कंडीशन कब अकर करती है, एट रेजोनेंस VL का जो मोड होगा वो VC के मोड के इक्वल हो जाना चाहिए, मतलब ये जो वोल्टेजेस हैं VL और VC इन दोनों का मोड जो होगा वो सेम होगा, मतलब इन दोनों की वैल्यू जो होगी, मोड का मतलब होता है वैल्यू, मतलब साइन हटाने के बाद, तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा हो गया इक्वल फॉर द रेजोनेंस कंडीशन, तभी तो हमारा सर्किट जो है प्योरली रेजिस्टिव होगा। तभी तो देखो, वी आर जब हमारा वी के इक्वल हो जाएगा तभी तो प्योरली रेजिस्टिव होगा, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर वाले जो वोल्टेज हैं एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, तो जब एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे तो यहाँ पे जो सर्किट होगा प्योरली रेजिस्टिव बन जाएगा। तो एट रेजोनेंस VL इक्वल टू VC हो गया। VL का जो मैग्नीट्यूड होगा, VL मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर किसके इक्वल होगा, करंट इनटू रिएक्टेंस, तो करंट हो गया I और रिएक्टेंस हो गया यहाँ से XL।
और यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या हो गया, आई इंटू एक्स सी हो गया। तो ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हो गया आई इंटू एक्सएल, और ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हो गया आई इंटू एक्स सी। ठीक है, तो यहाँ से आई आई कैंसिल हो गया, एक्सएल इक्वल टू एक्स सी। तो ये रेजोनेंस की कंडीशन क्या आई, यहाँ से एक्सएल अगर एक्स सी के इक्वल है तो हमारा सर्किट रेजोनेंस में होगा। कौन सा सर्किट? सीरीज सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो चैप्टर है ना हमारा रेजोनेंस, बहुत इंटरेस्टिंग है। और गेट और आईईएस चाहे कोई सा भी और एग्ज़ाम ले लो आप, क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं। तो अब देखो क्या करना है यहाँ पे, जब एक्सएल इक्वल टू एक्स सी था तो एक्सएल क्या होता है, ओमेगा नॉट इंटू एल। ओमेगा नॉट क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा नॉट एल हो गया और इक्वल टू 1/ ओमेगा नॉट सी, क्योंकि एक्स सी की वैल्यू क्या होगी, 1/ ओमेगा नॉट सी। अब यहाँ से अगर हम ओमेगा नॉट का स्क्वायर लिखें तो कितना होगा, 1/ एल सी, और ओमेगा नॉट कितना होएगा, 1/ रूट ऑफ एल सी रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद अगर ओमेगा नॉट तो आ गया हमारा 1/√ एल सी। अगर हम एफ नॉट फाइंड करना चाह रहे तो ओमेगा क्या होता है, 2π इंटू एफ। तो यहाँ से एफ नॉट कितना आएगा, 2π से डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2π इंटू रूट ऑफ एल सी हर्ट्स। देखो ये जो हर्ट्स और रेडियन पर सेकेंड, ये आपको यूनिट ऑलरेडी आना चाहिए, नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। ओमेगा की जो यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एक तरह से बोलेंगे यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और ये जो हमारा एफ नॉट लिखा हुआ है, ये हमारा, इसको भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, लेकिन ये हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, या इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। और ये हमारा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अभी देखो नेक्स्ट जो बताने जा रहा हूँ मैं, ये यहाँ से शुरुआत होती है असली रेजोनेंस की। ये एफ नॉट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एफ नॉट का भी फॉर्मूला 1/2π√ एल सी हर्ट्स, और ओमेगा नॉट का फॉर्मूला 1/√ एल सी रेडियन पर सेकेंड। यहाँ से असली क्यों शुरुआत होती है, अब ध्यान से सुनना। देखो मोड जेड वर्सेस ओमेगा, मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ आपको। मैं बताऊँगा कि किस पॉइंट के लिए वैल्यू जो होगी वो लीडिंग होगी, किसके लिए लैगिंग होगी, और किसके लिए हमारी यूपीएफ पे होगी। यूपीएफ मतलब यूनिटी पावर फैक्टर। यहाँ मोड जेड वर्सेस ओमेगा का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मोड जेड में पहले जेड निकालना पड़ेगा। जेड क्या होता है, जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्ससी। देखो सीरीज आरएलसी सर्किट है, ये ऑलरेडी आपको बताने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी इस तरह के सारे सर्किट सॉल्व करके दिखा चुका हूँ। आर सर्किट है, सी है, एल है, आरएल है, आरसी है, सीरीज आरएल है, सीरीज आरसी है, पैरेलल आरएल, पैरेलल आरसी, आरएलसी सब बता चुका हूँ। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जेड की वैल्यू लिखने में। तो जेड आएगा आर प्लस जे इंटू एक्सएल माइनस एक्ससी। तो आर प्लस जे इंटू एक्सएल की वैल्यू होगी ओमेगा एल माइनस 1/ ओमेगा सी हो गया। तो यहाँ से जो मोड जेड आएगा कितना आएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर, मतलब रियल स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी का स्क्वायर। तो ये हो गया रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में ओमेगा एल माइनस 1/ ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अभी देखो फ्रेंड्स, ये आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ उसको बता रहा हूँ मैं अब आपको। तो इसमें क्या है, देखो ओमेगा की जो, आपको जब भी पता होगा ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाली एक्सिस में फ्रीक्वेंसी है, तो इस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं कोई भी ग्राफ, जीरो से स्टार्ट करते हैं ना। तो जीरो से स्टार्ट करेंगे तो जीरो पे क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू जीरो होगी ओरिजिन पे, तो ओमेगा की वैल्यू भी जीरो होगी और मोड जेड की भी जीरो होगी। तो अब देखो ओमेगा की वैल्यू अगर हमारी जीरो है तो जीरो का मतलब यहाँ पे अगर हम जीरो पुट कर रहे हैं 1/ ओमेगा सी में, तो जीरो पुट करने से क्या आएगा, 1/ जीरो मतलब इन्फानाइट। तो एक तरह से मोड जेड की वैल्यू हो जाएगी इन्फानाइट, ठीक है ना। तो मोड जेड की वैल्यू यहाँ से इन्फानाइट अगर हमारी बन रही है तो उससे हमें क्या पता चल रहा है, देखो इससे हमें दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक तो क्लियर ये होगा कि यहाँ पे जो देखो ओमेगा एल क्या होगा, ओमेगा एल में ओमेगा को जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू जीरो, तो एल को मल्टीप्लाई करके भी जीरो ही आएगा। तो यहाँ से इंडक्टर का जो इफेक्ट है वो तो जीरो हो जा रहा है, और जो कैपेसिटर का इफेक्ट है वो हमारा इन्फानाइट हो जा रहा है, और कैपेसिटर हमारा लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता है। तो इसीलिए जो ओमेगा की वैल्यू जीरो के करीब जो होगी, जीरो के नियर बाई जो वैल्यूज होंगी, उस पर हमारा जो आरएलसी सीरीज आरएलसी सर्किट होगा वो एज ए लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता हुआ आपको दिखेगा, या फिर एज ए आरसी सर्किट की तरह वर्क करेगा, क्योंकि ओमेगा एल जो है वो तो जीरो हो जाएगा, आरसी आर स्क्वायर प्लस 1/ ओमेगा सी का स्क्वायर, यही हमारा सर्किट के अंदर दिखाई देगा। तो आर स्क्वायर प्लस 1/ ओमेगा सी का स्क्वायर में आरसी सर्किट की फील आ रही है आपको, तो ये एज ए आरसी सर्किट बिहेव करेगा, और आरसी सर्किट हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ओमेगा नॉट से पहले की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उस पर हमारा जो सर्किट होगा वो कैसा वर्क करेगा, एज ए आरसी सर्किट और लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करेगा। नेक्स्ट क्या होगा,
अगर मैं ओमेगा को इन्फानाइट ले ले रहा हूँ तो क्या होगा? ओमेगा को अगर मैं इन्फानाइट लूँगा तो हमारा जो ओमेगा नॉट एल है वो तो हो जाएगा इन्फानाइट, और वन अपॉन ओमेगा नॉट सी जो है वो होगा वन अपॉन इन्फानाइट मतलब जीरो। तो ये हो गया जीरो कैपेसिटर वाला इफेक्ट, और इंडक्टर वाला हो गया इन्फानाइट। तो ये मोड जेड कितना बनेगा? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये इंडक्टर और रजिस्टर का इफेक्ट दिखा रहा है, तो इंडक्टर का इफेक्ट दिखा रहा है मतलब आरएल सर्किट का। तो आरएल सर्किट हमेशा कौन से पावर फैक्टर पे वर्क करता है? लैगिंग पावर फैक्टर पे। तो लैगिंग पावर फैक्टर पे ये वर्क कर रहा होगा, और ये जो देखो आप यहाँ को दिख रहा होगा ना आपको, इन्फानाइट तक आप किसी भी वैल्यू तक ले जाओ आफ्टर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो सिस्टम होगा वो आपको सर्किट वर्क करेगा एज ए लैगिंग पावर फैक्टर पे और आरएल सर्किट की तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा? अब आ गया यूनिटी पावर फैक्टर की बात करते हैं। तो यूपीएफ कब देखना होगा? ओमेगा नॉट पे। ओमेगा नॉट पे हमारा अगर हम यहाँ पे पुट करें ओमेगा नॉट एल माइनस वन अपॉन ओमेगा नॉट सी का स्क्वायर, तो आपको अभी मैंने बताया था कि रेजोनेंट पे क्या होता है, ओमेगा नॉट एल और ओमेगा नॉट सी वन अपॉन ओमेगा नॉट सी इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि एक्सएल इक्वल टू एक्स सी होता है। तो एक्सएल इक्वल टू एक्स सी होगा तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर ये जीरो हो गया। तो ये सर्किट क्या बचा? खाली आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर का अंडर रूट आर हो गया। तो ये आ गया हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो एक तरह से ओमेगा नोट पे जो हमारा सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव की तरह बिहेव करता है, और आरसी सर्किट जो होगा आर मतलब प्योरली रेजिस्टिव हो गया तो उसका जो पावर फैक्टर होता है यूनिटी पावर फैक्टर होगा। क्लियर है इतना? तो आपको मैंने तीन चीज़ें बताई हैं अभी। सीरीज आरएलसी सर्किट जो है उसमें ओमेगा नॉट से पहले की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वहाँ पे सर्किट एज ए आरसी सर्किट बिहेव करता है और लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता है। मोर देन ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसीज पे हमारा जो सर्किट है वो आरएल की तरह बिहेव करता है और लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता है। और जो हमारा ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इस पे हमारा सर्किट जो है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है एंड यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क करता है। देखो फ्रेंड्स, अभी मैंने एक ग्राफ बताया आपको मोड जेड का, अब मैं बता रहा हूँ एक्स वर्सेस ओमेगा। एक्स मतलब रिएक्टेंस, ये था इम्पीडेंस वर्सेस ओमेगा। ये सब जो ग्राफ है ना ये आपको एनालिटिक एकदम एनालिसिस की होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने इनकी एनालिसिस नहीं की है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही प्रॉब्लम में लेके आ जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। और छोटे छोटे एग्जाम में तो यही पूछा जाता है कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे जो सर्किट है वो कैसा बिहेव करता है, प्योरली रजिस्टिव, ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। तो ऐसे ही बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्स वर्सेस ओमेगा अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो एक्स कितना होगा? एक्स एल माइनस एक्स सी, क्योंकि एक्स एल और एक्स सी दो ही तो हैं इसमें, इंडक्टर के और कैपेसिटर के ही तो एक्स आएगा, और रजिस्टर में तो कोई रिएक्टेंस होता नहीं है। तो यहाँ से एक्स कितना आएगा? एक्स एल माइनस एक्स सी। तो एक्स आ गया एक्स एल माइनस एक्स सी, एक्स एल की वैल्यू होती है ओमेगा ओमेगा इंटू एल, और एक्स सी की होगी वन अपॉन ओमेगा सी। तो ये हो गया ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी। अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो ग्राफ ड्रॉ किया गया इधर, तो एक्स इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी है। तो एक्स एल की वैल्यू क्या है हमारी? ओमेगा एल। तो ओमेगा एल एक तरह से ओमेगा के रिस्पेक्ट में लीनियर हो गया, क्योंकि ओमेगा इंटू एल में हमारा ओमेगा एज ए वेरिएबल काम कर रहा है। तो ओमेगा अगर वेरिएबल काम कर रहा है तो वहाँ पर ओमेगा हमारा ये लीनियर ग्राफ शो करेगा। तो ये आ गया हमारा एक्स एल का ग्राफ, और वन अपॉन ओमेगा सी किसके इक्वल है? एक्स सी के। तो एक्स सी अगर वन अपॉन ओमेगा सी है तो वो हमारा, और माइनस भी आ रहा है बीच में, एक्सएल माइनस एक्स सी है। तो एक्सएल माइनस एक्स सी होने की वजह से क्या होगा कि माइनस जो है वो हमारे, देखो वन अपॉन ओमेगा सी का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में हमारा क्या आता है, इस तरह का कुछ ग्राफ बनना चाहिए था, लेकिन हमारा माइनस होने की वजह से ये वाला ग्राफ पलट गया एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। तो एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज कुछ इस तरह की बनेगी, तो ये बन गया हमारा एक्स सी का ग्राफ। तो एक्सएल हो गया, एक्स सी हो गया। अब एक्सएल माइनस एक्स सी तो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा, तो ये हो गया ओमेगा नॉट पे जो होगा हमारा सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होगा। तो ये कहाँ से? जीरो से पास करेगा, और उसके बाद हमारा एक्स जो होगा एक्स इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्स सी हो जाएगा। ये तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा, यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क करेगा। ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट पे अगर हम देखें तो आरसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा, लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करेगा। और जो हमारा ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट पे हमारा आरएल सर्किट की तरह बिहेव करता है और लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना अभी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है करंट का ग्राफ। करंट ये सब ग्राफ भी पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पेपर में बना के दे जाते हैं। ये सीरीज किसका नेटवर्क है, कौन सा नेटवर्क है रेजोनेंस कंडीशन में, तो ये सब हमें आपको आना ही चाहिए। आई वर्सेस ओमेगा अगर मैं ग्राफ देख रहा हूँ, आई मतलब करंट की वैल्यू, करंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? इम्पीडेंस और वोल्टेज पे। तो
तो इम्पीडेंस की और वोल्टेज की अगर हम बात करेंगे, देखो आई वर्सेस ओमेगा है, तो आई वर्सेस ओमेगा की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें करंट जो होगा, अगर आप यहाँ से ध्यान दे रहे हो, तो मोड जेड की जो वैल्यू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर है। तो अगर हम ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट की बात कर रहे थे, मतलब नियर बाय जीरो की बात कर रहे थे, तो नियर बाय ओमेगा मान लो जीरो ही है, ओमेगा जीरो है, तो ये इसकी जो जेड की वैल्यू आएगी इन्फानाइट, जेड की वैल्यू इन्फानाइट आ गई तो करंट क्या होता है, आई इक्वल टू वी बाई जेड, जेड अगर इन्फानाइट है तो करंट हो गया जीरो, तो इसका मतलब जो करंट की वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी जीरो। ठीक है, ये आपको दिख रहा है कि अप्रोक्सीमेटली जैसे हम जीरो की तरफ जा रहे हैं ओमेगा इज़ जीरो, तो ये भी जो हमारी करंट की वैल्यू होगी वो भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट में देखो, आई मैक्स मतलब क्या, हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो भी मैक्सिमम करंट पॉसिबल है, ये हमारी जो वैल्यू है ये हमारी मैक्सिमम करंट होगी। उसके बाद आई मैक्स बाई रूट टू क्या होगा, ये हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है ना ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट पे जो करंट की वैल्यू होगी वो आई मैक्स बाई रूट टू हो जाएगी। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं बेसिकली, क्योंकि हमारी ये सब चीज़ें ही पूछी जाती हैं। 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707, तो ये हमसे पूछा जाएगा कि जो करंट की वैल्यू है वो एट ओमेगा नॉट की पे, जो ओमेगा नॉट बोल लो या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल लो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू कितना हो जाएगा। तो करंट की वैल्यू आई मैक्सिमम जो होगी ना उसका √2 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ओमेगा नॉट पे हमारी आई मैक्स थी तो ओमेगा वन और ओमेगा टू पे जो होगी वो आई मैक्स बाई रूट टू हो जाएगी। ओमेगा वन और ओमेगा टू को हम बोलते हैं मीन फ्रीक्वेंसीज भी बोलते हैं, बाकी अभी मैं बताऊंगा अपर कट ऑफ और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इनको। तो इस पे आ जाएगा हमारा आई मैक्स और आई मिनिमम हो गए। ठीक है, आई मैक्स हो गया हमारा ओमेगा टू और आई मिनिमम हो गया ओमेगा वन। उसके बाद आई मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी ओमेगा वन और ओमेगा टू, यहाँ से वैल्यू जो होंगी वो मैं बताता हूँ। चलो अभी इसकी और कहानी भी, क्योंकि अभी इसमें इम्पीडेंस का भी रोल आएगा कि इम्पीडेंस की वजह से इम्पीडेंस जो होगा इस कंडीशन में हमारा √2 टाइम्स ऑफ जेड हो जाएगा और करंट होगी आई मैक्स बाई √2 हो जाएगी। और ये आई मैक्स कहाँ पे, तो ये तीन चीज़ें इसमें याद रखना करंट वाले में, ओमेगा नॉट पे जो वैल्यू होगी करंट की वो आई मैक्स होगी, ओमेगा वन और ओमेगा टू पे जो वैल्यू होगी इनको हम 3 dB फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। 3 dB इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पे जो ओमेगा वन और ओमेगा टू पे जो गेन की वैल्यू है 3 dB से रिड्यूस हो जाती है, तो इसलिए हम ओमेगा वन और ओमेगा टू को और हाफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इन ओमेगा वन और ओमेगा टू पे हमारी पावर की जो वैल्यू है वो आधी हो जाती है, क्योंकि हम आई स्क्वायर आर करेंगे ना, तो आई स्क्वायर करने पे क्या आएगा, आई मैक्स बाई रूट टू का स्क्वायर, तो रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा टू, तो इसलिए हमारा आई मैक्स बाई रूट टू का स्क्वायर बन के यहाँ से टू मतलब हाफ वैल्यू हो जाती है। तो इसीलिए हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज भी इनको बोलते हैं, ओमेगा वन और ओमेगा टू को। तो ग्राफ सबके आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं, एक और ग्राफ बचा है पावर फैक्टर वर्सेस ओमेगा। पावर फैक्टर वर्सेस ओमेगा में क्या है कि ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट पे क्या है, इसमें देखो पावर फैक्टर वर्सेस ओमेगा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहली बात तो, क्योंकि ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट पे मैंने आपको बताया था आरसी सर्किट की तरह बिहेव करता है और उसमें हमारा जो पावर फैक्टर होगा लीडिंग पावर फैक्टर होगा। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे मैंने बताया था आपको रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है और उसमें हमारा पावर फैक्टर होगा यूनिटी पावर फैक्टर। और ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट के लिए मैंने बताया था आपको आरएल सर्किट की तरह बिहेव करता है और उसमें जो हमारा पावर फैक्टर होगा लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, आपको थोड़ा सा इसके बेसिस पे भी आइडिया दे देते हैं। तो यहाँ से देखो फर्स्ट केस क्या है, ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, तो ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट जो मैंने आपको केस लिया था ना, ओमेगा की वैल्यू जीरो पुट करके कैपेसिटर वाला ज़्यादा इफेक्ट दे रहा था, तो जेड इक्वल टू आर माइनस जे एक्स इसीलिए लिखा गया क्योंकि कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है ना वो नेगेटिव में होती है रिएक्टेंस की वैल्यू, तो जेड जेड इक्वल टू आर माइनस जे एक्स सी लिख लो, या तो आर इक्वल या फिर आर माइनस जे एक्स लिख लो। तो ये एज ए आर सी सर्किट बिहेव करेगा, आर सी सर्किट जो है लीडिंग पावर फैक्टर पे बिहेव करता है, तो लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करेगा, तो लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब होता है कि करंट हमारी लीड करेगी वोल्टेज से बाई सम एंगल फाई, और ये जो फाई होगा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। तो यहाँ से लीडिंग पावर फैक्टर हो गया। नेक्स्ट क्या, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, तो आई की वैल्यू हो जाएगी, ये क्या है मोड जेड की वैल्यू होगी आर, क्योंकि रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से वी और आई जो होंगे वो सेम फेज में आ जाएंगे और ये यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क करेगा।
नेक्स्ट क्या है, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्स, क्योंकि ये इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, आरएल सर्किट की तरह। आरएल सर्किट में एल का जो रिएक्टेंस होता है एक्सएल, एक्सएल हमारा पॉजिटिव में लिया जाता है, तो इसीलिए आर प्लस जे एक्स लिया है। और यहाँ पे जो करंट होगी वो लैग करेगी वोल्टेज से बाई सम एंगल फाई, और ये फाई की वैल्यू जो होगी 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगी, और ये लैगिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट करेगा। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो आप ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू जैसे ही ओमेगा नोट पे देखा जाए तो प्योरली रजिस्टिव सर्किट होगा, और यहाँ पे हमारा जो पावर फैक्टर होगा यूपीएफ होगा। तो ये दिखा रखा है यूपीएफ पावर फैक्टर हो गया, यूनिटी पावर फैक्टर, और ये प्योरली रजिस्टिव सर्किट हो गया। ओमेगा लेस देन ओमेगा नोट पे क्या होगा, यहाँ पे ओमेगा लेस देन ओमेगा नोट पे सर्किट जो होगा आरसी सर्किट की तरह बिहेव करता है, और ये लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा है, आरसी सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, और ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट पे लैगिंग पावर फैक्टर की तरह वर्क करेगा, आरसी आरएल सर्किट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे अब देखो एक चीज़ और, हाँ प्लस में हम जो लीडिंग पावर है, लीडिंग पावर फैक्टर को हम 90 डिग्री एंगल दिखा रहे हैं प्लस में, और लैगिंग पावर फैक्टर का एंगल दिखा रहे हैं माइनस 90 डिग्री। तो ये मैक्सिमम एंगल है ये जो हमारे जा सकते हैं, क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होगा तब हमारा प्लस 90 जाएगा, और प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा तब हमारा माइनस का 90 डिग्री जाएगा। लेकिन ये मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट है, इतना नहीं हो पाता है, 80-90 के बीच में ही मिलता है हमें पॉइंट। अब यही पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं कि एट फॉर ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट दी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज हायर देन दी इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये मैं आपको सब चीज़ें बता चुका हूँ, बस जस्ट रीड करता हुआ जा रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम लगे फिर से पूछ लेना। फोर ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा ज़्यादा होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस से, मतलब एक्सी का मोड ज़्यादा होगा एक्सएल से, एंड हैंस दी नेट रिएक्टेंस इज कैपेसिटिव इन नेचर। इसलिए जो हमारा नेट रिएक्टेंस होगा कैपेसिटिव होगा, दी करंट आई लीड्स दी अप्लाइड वोल्टेज वी, एंड देयर फॉर दी पावर फैक्टर इज लीडिंग इन नेचर। ये सब आपको समझ में आ जाना चाहिए। एट ओमेगा इक्वल टू में यही वाली चीज़ जो है ना पीछे पूरे बताए वही कहानी लिखी हुई है। एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट बोथ रिएक्टेंस इक्वल होंगे, एक्सएल एक्सी के इक्वल होगा, और नेट इंपीडेंस जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा, प्योरली रेजिस्टिव इन नेचर होगा। जेड मिनिमम की वैल्यू आर के इक्वल होगी, दी करंट आई एंड दी वोल्टेज वी जो होगा दोनों हमारे सेम फेज में लाई करेंगे। ठीक है, सेम फेज में होंगे, और देयरफॉर दी पावर फैक्टर होगा हमारा यूनिटी। थर्ड क्या है, फोर ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट इंडक्टिव रिएक्टेंस हायर होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, दैट इज एक्सएल का मोड जो होगा एक्सी के मोड से ग्रेटर देन हो गया, एंड हैंस दी नेट रिएक्टेंस जो है इंडक्टिव इन नेचर हो गया, देयरफॉर करंट आई जो है वो लैगिंग इन नेचर होगा, लैग करेगा अप्लाइड वोल्टेज वी से, और जो पावर फैक्टर होगा वो लैगिंग इन नेचर होगा। देखो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही रखूंगा मैं, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा यही वेरिएशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड कैपेसिटर विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है, सो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और कोई भी डाउट हो आपके दिमाग में कभी भी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड टेक्निकल एग्जाम से आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी और सब्जेक्ट की वीडियो आप चाहते हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं तुरंत बना के दूंगा आपको। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।